एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे मैं कुछ अपडेट लेकर आया हूँ। यहाँ पे अपडेट है सैमसंग की तरफ से, एक अपडेट है अपकमिंग से सैमसंग की तरफ से एक स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले, जो कि फ्लैगशिप की तरफ वाला स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले। तो सैमसंग का अपकमिंग जो स्मार्टफोन है, सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज का जो स्मार्टफोन है, तो इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ अपडेट आए हैं, कुछ डिटेल के साथ बात करने वाले। ये जो स्मार्टफोन से अपकमिंग से देखने को मिलने वाले सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज का जो स्मार्टफोन है, ये एक्सपेक्टेड हो रहा है कि 2023 फरवरी के महीने में वो लॉन्च करने को जा रही है। ये जो स्मार्टफोन से गिगबेंच पर लिस्टिंग हुआ है और उसके साथ ही साथ BIS स्पॉट ऑनलाइन सर्टिफिकेशन पर भी स्पॉट हुआ है। तो आपको इसे सैमसंग गैलेक्सी S23 स्मार्टफोन जल्दी देखने को मिलने वाले। तो ये जो स्मार्टफोन से तीन वेरिएंट के साथ देखने को मिलने वाले, पहला निकल करती है सैमसंग गैलेक्सी S23, दूसरा है सैमसंग गैलेक्सी S23 प्लस, तीसरा है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा जो स्मार्टफोन से, ये टोटल तीन वेरियंट के साथ देखने को मिलने वाले है। तो यहाँ पे स्मार्टफोन से फ्लैक्सी वाला स्मार्टफोन से उसके साथ ही साथ फ्लैगशिप प्रोसेसर भी देखने को मिलने वाली है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8th Gen 2 वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाली है। ये जो स्मार्टफोन से Android 13% के साथ देखने को मिलने वाली है। और ये स्मार्टफोन्स के बारे में अपडेट है कि ये जो कैमरा सेटअप है उसका प्राइमरी सेंसर 200 मेगापिक्सल के साथ देखने को मिलने वाली है। रिसेंटली कुछ एक स्मार्टफोन आगे देखने को मिलने वाली है, उसका अपडेट भी आ चुकी है कि रेडमी का एक स्मार्टफोन आए थे, ये स्मार्टफोन्स में 200 मेगापिक्सल के साथ प्राइमरी सेंसर भी देखने को मिलने वाले, जो कि इंडिया के लिए जल्दी आने वाली है। तो उसी तरह ये जो सैमसंग का जो स्मार्टफोन आगे देखने को मिलने वाली है, वो भी 200 मेगापिक्सल के साथ प्राइमरी सेंसर के साथ देखने को मिलने वाले। अभी भी जो भी स्मार्टफोन्स वगैरह आ रहे हैं उनका कैमरा सेटअप जो कि फ्लैक्सीबल स्मार्टफोन साथ है, वो कैमरा सेटअप हाई रेट के साथ देखने को मिलते हैं। तो 200 मेगापिक्सल के साथ प्राइमरी सेंसर होगा। गीगबेंच पर लिस्टिंग हो चुकी है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के 8th Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलने वाले हैं। टोटली तीन वेरिएंट के साथ देखने को मिलने वाले। और एक अपडेट आ रहा है कि शायद 8GB रैम के साथ देखने को मिलने वाली है, और रैम अगर थोड़ा बहुत अपडेट हो जाए 12GB के साथ देखने को मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रह जाते हैं। तो आपको हमसे सैमसंग गैलेक्सी S23, 23 प्लस, 23 अल्ट्रा स्मार्टफोन जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। फरवरी के महीने में वो स्मार्टफोन लॉन्च करने को जा रहे हैं। बस इतना से अपडेट है, लेकिन अभी तक ये अपडेट नहीं आया कि उसका स्क्रीन साइज क्या होने को जा रहे हैं। तो देखते हैं और क्या अपडेट आती रहती है। ये फ्लैक्सी वाला स्मार्टफोन से उसके साथ साथ गेमिंग वाला भी स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। तो कोई भी अपडेट है मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाले। तो चाहते हो फ्यूचर में इस तरह अपडेट देने के लिए, नए वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए आपको अपडेट कैसी लगी।